गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 मैथ्स, यूनिटरी मेथड। द वर्ड यूनिटरी हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड यूनिट व्हिच मीन्स वन। यूनिटरी मेथड ये एक मेथड है फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए, जिसमें यूनिटरी वर्ड जो है वो यूनिट वर्ड पे से आया है जिसका मीनिंग है वन। इन यूनिटरी मेथड वी फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। यूनिटरी मेथड में पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट, और बाद में आपको जितने यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है उतने यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यूनिटरी मेथड क्विक टिप्स में डिवाइड करना होता है व्हेन मोर थिंग्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वन। ज़्यादा चीज़ दी है और एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई व्हेन वन थिंग इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड मोर। एक की वैल्यू दी है और ज़्यादा की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 19, 5 बसेस कैरी 200 पैसेंजर्स। 5 बसेस में टोटल 200 पैसेंजर्स आते हैं। हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन 20 बसेस कैरी। अगर 5 बसेस में 200 पैसेंजर्स आ सकते हैं तो 20 बसेस में कितने पैसेंजर आ सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। यूनिटरी मेथड में क्या है, इन यूनिटरी मेथड वी हैव फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे यूनिट कौन सा आएगा, बसेस। 5 बसेस की वैल्यू आपको दी है, 20 बसेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले एक बसेस के लिए फाइंड करना पड़ेगा। पैसेंजर्स कैरीड बाय 5 बसेस। 5 बसेस में कितने पैसेंजर्स आते हैं, 200। पैसेंजर्स कैरीड बाय 1 बसेस, तो एक बस में कितने पैसेंजर आएंगे, 1। डिवाइड व्हेन मोर थिंग्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड 1। एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड करना है, तो ये 200 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 40, यानी एक बस में 40 पैसेंजर्स आ सकते हैं। नाउ हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन 20 बसेस कैरी। फाइंड करना है 20 बसेस के लिए, पैसेंजर्स कैरीड बाय 20 बसेस इज इक्वल टू, ज़्यादा के लिए फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 40 × 20 इज इक्वल टू 800। देयरफॉर 20 बसेस कैन कैरी 800 पैसेंजर्स। 5 बसेस में 200 पैसेंजर्स आते हैं, 20 बसेस में 800 पैसेंजर्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल 20, अ मैन अर्न्स ₹12,000 इन 10 डेज। 10 दिनों में 12,000 कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज, तो 18 दिनों में कितना कमाएगा। 10 डेज के लिए आपको अर्निंग दी है, 18 डेज के लिए फाइन करनी है तो फर्स्ट आपको 1 डे के लिए फाइन करना पड़ेगा। अर्निंग इन 10 डेज, 10 दिनों में कितना अर्निंग करता है, 12,000। अर्निंग इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगा, वन थिंग के लिए फाइन करना हो तो डिवाइड करना है, 12,000 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 1,200। 1010 कट हो जाएगा, आंसर 1,200, यानी पर डे उसकी अर्निंग है 1,200। यहाँ पे 18 डेज के लिए फाइन करना है। नेक्स्ट, अर्निंग इन 18 डेज, ज़्यादा के लिए फाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 1,200 × 18 इज इक्वल टू 21,600। 18 दिनों में वो 21,600 रुपीज़ जो है वो अर्निंग करेगा। एक्सरसाइज 6.7 जो कि यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट, इन 5 डेज राहुल ईट्स 20 चॉकलेट्स। 5 डेज में राहुल 20 चॉकलेट्स खाता है। हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन ही ईट इन 16 डेज, तो 16 दिनों में वो कितनी खा सकेगा। 5 डेज की दी है, 16 डेज के लिए फाइंड करना है तो फर्स्ट आपको 1 डे के लिए फाइंड करना पड़ेगा, 1 यूनिट के लिए। नंबर ऑफ चॉकलेट्स राहुल ईट्स इन 5 डेज इज इक्वल टू 20। 5 डेज में 20 चॉकलेट्स खाता है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स राहुल ईट्स इन 1 डे, एक दिन में कितनी खाएगा, 20 divided 5 यानी 4। एक दिन में 4 चॉकलेट खाएगा, फाइंड करना है 16 डेज के लिए। देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स राहुल ईट्स इन 16 डेज इज इक्वल टू 4 × 16
इज इक्वल टू 64 चॉकलेट्स, यानी 16 डेज में 64 चॉकलेट्स राहुल खा सकता है। नेक्स्ट, अ टेलर नीड्स 18 मीटर ऑफ क्लोथ्स टू स्टिच अ शर्ट ऑफ अ सेम साइज के शर्ट सीने के लिए टेलर को 18 मीटर क्लोथ्स चाहिए। 9 शर्ट जो है सेम साइज के 9 शर्ट्स सिलने के लिए 18 मीटर क्लोथ्स टेलर को चाहिए। हाउ मच क्लोथ विल ही नीड टू स्टिच 15 शर्ट, अगर 9 की जगह पे उसे 15 शर्ट बनाने हैं तो उसे कितने मीटर क्लोथ चाहिए। तो फर्स्ट एक शर्ट के लिए कितना मीटर क्लोथ चाहिए वो फाइंड करना पड़ेगा। क्लोथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट 9 शर्ट्स इज इक्वल टू 18 मीटर, यानी 9 शर्ट बनाने के लिए 18 मीटर क्लोथ चाहिए। क्लोथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट इज इक्वल टू, तो एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 18 मीटर डिवाइडेड 9 यानी 2 मीटर, एक शर्ट के लिए 2 मीटर क्लोथ चाहिए। तो 15 शर्ट के लिए फाइंड करना है। क्लोथ नीडेड टू स्टिच 15 शर्ट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30 मीटर, यानी अगर 15 शर्ट जो उसे सिलने हैं तो 30 मीटर क्लोथ उसे चाहिए। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर मिल्क इज रुपीज 120, 4 लीटर मिल्क की प्राइस है 120 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर मिल्क, तो 6 लीटर मिल्क की प्राइस कितनी होगी, 4 लीटर की दी है और 6 लीटर की फाइन करनी है, तो पहले 1 लीटर के लिए फाइन करना पड़ेगा, 1 यूनिट के लिए फाइन करने के लिए डिवाइड करना है और ज़्यादा यूनिट के लिए फाइन करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ 4 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 120 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 30 रुपीज़, यानी 1 लीटर मिल्क जो है उसकी प्राइस है 30 रुपीज़, तो 6 लीटर मिल्क की कितनी होगी, द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर मिल्क इज इक्वल टू रुपीज़ 30 इंटू 6 इज इक्वल टू रुपीज़ 180, 6 लीटर मिल्क के लिए 180 रुपीज़ प्राइस लगेगी। नेक्स्ट, अ फैक्ट्री मेक्स 7000 टॉय कार्स इन 25 डेज, 7000 टॉय कार्स जो है वो 25 डेज में फैक्ट्री बनाती है। हाउ मैनी टॉय कार्स विल बी मेड इन 15 डेज, तो 50 डेज में कितनी टॉय कार बनाएगी, अगर 25 डेज में 7000 बना रही है तो 50 डेज में कितनी टॉय कार कंपनी फैक्ट्री बना सकती है, तो पहले 1 डे के लिए कितनी फैक्ट्री टॉय कार बनाएगी वो फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टॉय कार्स मेड इन 25 डेज इज इक्वल टू 7000, 25 डेज में 7000 टॉय कार बनाती है फैक्ट्री। नंबर ऑफ टॉय कार्स मेड इन 1 डे, तो 1 डे में कितनी आएगी, 7000 डिवाइडेड 25 इज इक्वल टू 280, 280 टॉय कार 1 डे में फैक्ट्री है वो बनाएगी। नंबर ऑफ टॉय कार्स मेड इन 50 डेज, तो 50 डेज में कितनी टॉय कार बनाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, एक दिन में 280 टॉय कार्स बनाती हैं तो 50 डेज में 280 इंटू 50 इज इक्वल टू 14000, 14000 टॉय कार्स जो है वो फैक्ट्री 50 डेज में बना सकती है। नेक्स्ट, सोहेल अर्न्स रुपीज 9060 इन 15 डेज, 15 डेज में 9060 रुपीज अर्न करता है। हाउ मच विल ही अर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च मंथ में कितना अर्न करेगा, 15 डेज में 9060 रुपीस अर्न करता है तो मार्च मंथ में कितना अर्न करेगा, मार्च मंथ में कितने डेज आते हैं, 31 डेज, यानी 31 डेज का उसका अर्निंग कितना है वो फाइंड करना है। तो पहले पर डे का फाइंड करना पड़ेगा, यानी 1 डे के लिए मनी अर्न बाय सोहेल इन 15 डेज इज इक्वल टू 9060 रुपीस, 15 डेज में 9060 रुपीज़ जो है वो अर्निंग करता है। मनी अर्न बाय सोहेल इन 1 डे, तो 1 डे में कितनी करेगा, 9060 डिवाइडेड 50, 604 पर डे उसकी अर्निंग है, 604 रुपीज़।
तो मार्च मंथ, मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं? 31. देयरफॉर मनी अर्न बाय सोहैल इन 31 डेज इज इक्वल टू ₹604 इंटू 31 इज इक्वल टू 18,724 रुपीज़। टोटल मार्च मंथ में 18,724 रुपीज़ जो है वो सोहैल अर्न करेगा। नेक्स्ट, मिस्टर जहा बॉट 150 पेयर्स ऑफ सॉक्स फॉर ₹3,000। 150 पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स के पेयर टोटल 150 पेयर्स है, वो 3,000 रुपीज़ में लेके आते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 250 पेयर्स? तो 250 पेयर्स की प्राइस कितनी होगी? तो पहले वन पेयर की फाइन करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 150 पेयर्स ऑफ सॉक्स इज इक्वल टू 3,000। कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ सॉक्स, तो एक पेयर की प्राइस कितनी होगी? 3,000 डिवाइडेड 150 इज इक्वल टू 20 रुपीज़, यानी वन पेयर ऑफ सॉक की प्राइस है 20 रुपीज़। तो 250 पेयर्स की प्राइस फाइन करनी है। कॉस्ट ऑफ 250 पेयर्स ऑफ सॉक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। टोटल 250 पेयर्स के लिए 5,000 पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए थर्ड स्टैंडर्ड में हम सीख के आए हैं रूल्स DMAS। DMAS मींस डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिंप्लीफाई में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1, 6,240 डिवाइड 4 इंटू 20 प्लस 18 माइनस 52। तो फर्स्ट डी यानी डिवाइड, तो डिवाइड किसके बीच में है? 6,240 एंड 4। तो जो डिवाइड है पहले उसको सॉल्व करना है, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दी 6,240 डिवाइड 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,560। बाकी जो सम है एज इट इज़ आएगा इनटू 20 प्लस 18 माइनस 52। डिवाइड सॉल्व करने के बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो जो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है उसके नीचे अंडरलाइन करो 1,560 इनटू 20 और बाकी का सम एज इट इज़ प्लस 18 माइनस 52। मल्टीप्लाई का आंसर है 31,200। आंसर प्लस 18 माइनस 52 बाकी का सम एज इट इज़, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन, तो 31,200 प्लस 18 यानी 31,218 माइनस 52 देन फाइनल आंसर इज 31,166। नेक्स्ट 2,664 डिवाइड 8 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 10 प्लस 132 इंटू 3। डिवाइड है वहाँ पे अंडरलाइन कर दो, मल्टीप्लाई उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। डिवाइड को फर्स्ट सॉल्व करना है 2,664 डिवाइडेड 8 आंसर इज 333 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 10 200 प्लस 132 इंटू 3 396। डिवाइड और फर्स्ट मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो DMAS के रूल्स के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है यानी 333 इंटू 3 आंसर इज 999। बाकी सम एज इट इज़ 999 माइनस 200 799 प्लस 396 देन आंसर इज 1,195। नेक्स्ट 3,600 डिवाइडेड 90 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 20 माइनस 120 डिवाइडेड 6। तो डिवाइड को सॉल्व करना है, आंसर 40 इंटू 9
प्लस 5 into 24, यहाँ पे 9 plus 5 नहीं कर सकते, बट 5 into 24 करना पड़ेगा, 120 माइनस 120 डिवाइडेड 6, 20, 40 into 9, 360 प्लस 120 माइनस 20, 360 प्लस 120, 480 माइनस 20 इज इक्वल टू 460. नेक्स्ट, 480 डिवाइड 15 इंटू 8 माइनस 320 डिवाइड 4 इंटू 3 प्लस 5. यहाँ पे 15 इंटू 8 नहीं कर सकते क्योंकि आगे डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा. 480 इंटू डिवाइड 50, 32 इंटू 8 एज इट इज़. 320 डिवाइड 4, 80 इंटू 3 प्लस 5 एज इट इज़. नाउ मल्टीप्लाई 32 इंटू 8, 256 माइनस 80 इंटू 3, 240 प्लस 5. 256 माइनस 240 प्लस 5, देन आंसर इज 21. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रोनित हैज रुपीज 25,000. रोनित के पास 25,000 रुपीज है. ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमोंग 7 मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ. तो 25,000 जो रुपीज़ है वो 7 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है. हाउ मच मनी विल ईच मेंबर गेट इफ रोनित कीप्स 11,000 विथ हिमसेल्फ. अगर अपने पास 11,000 रुपीज़ रख कर जो बाकी के पैसे अगर 7 मेंबर्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो हर पर्सन को कितने रुपीज़ मिलेंगे. देन टोटल मनी विथ रोनित इज इक्वल टू 25,000. मनी रोनित कीप्स विथ हिमसेल्फ, अपने पास कितनी रखेगा, 11,000. तो बाकी कितने बचेंगे, मनी लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 25,000 माइनस 11,000. 11,000 उतने कम हो जाएंगे, तो अब उसके पास बचेंगे 14,000 रुपीज़. ये 14,000 जो है वो 7 मेंबर्स में इक्वली उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 7 मेंबर्स में डिवाइड करना है, तो वन पर्सन को कितने रुपीज़ मिलेंगे, वन थिंग के लिए फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. ईच स्टाफ मेंबर विल गेट 14,000 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़. पर पर्सन 2,000 रुपीज़ मिलेंगे. नेक्स्ट, सिप्रा बाइज अ फ्रिज फॉर 35,000. फ्रिज लेती है 35,000 रुपीज़ का. सी पेज 15,000 टू द शॉपकीपर एंड डिसाइड टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी इन 4 इक्वल पार्ट्स. 35,000 रुपीज़ का फ्रिज लेके 15,000 जो है वो शॉपकीपर को पे करती है और डिसाइड करती है टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी के पैसे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में वो पे करेगी. हाउ मच मनी विल सी हैव टू पे इन ईच पार्ट. तो हर पार्ट में यानी हर टाइम जो 4 इक्वल पार्ट्स में मनी पे करने हैं उसमें वो कितने पैसे पे करेगी वो फाइंड करना है. कॉस्ट ऑफ फ्रिज, फ्रिज की प्राइस है 35,000. मनी सिप्रा पेज टू द शॉपकीपर 15,000 देती है शॉपकीपर को, तो अब उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे बाकी के. मनी लेफ्ट टू बी पेड, जो बाकी के पे करने हैं वो 35,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़. यानी 20,000 रुपीज़ उसको अभी और पे करने हैं. जो 20,000 रुपीज़ है वो 4 इक्वल पार्ट में पे करने वाली है. तो वन पार्ट में वो कितने पैसे पे करेगी, वन पार्ट के लिए फाइंड करना है, वन यूनिट के लिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा. मनी टू बी पेड इन ईच पार्ट, एक पार्ट में कितने पैसे पे करेगी, 20,000 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 5,000 ऐसे 4 इक्वल पार्ट में वो पैसे जो बाकी के बचे हैं वो पे करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देर आर 16 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़ इन अ क्लास. 16 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज़. द टीचर आस्क देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4. टीचर उन्हें ग्रुप में 4 एक ग्रुप में 4 मेंबर इस तरह वर्क करने के लिए कहते हैं. हाउ मैनी ग्रुप्स विल बी मेड, तो कितने ग्रुप बनेंगे. नंबर ऑफ गर्ल्स 16, नंबर ऑफ बॉयज 12. देन टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 60 प्लस 12, 28.
टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं और एक ग्रुप में 4 मेंबर्स लेने हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 7 ग्रुप्स। टोटल 7 ग्रुप्स जो है वो बनेंगे।